थर्ड क्लास का ईडीएस का चैप्टर है ड्रॉ बाय ड्रॉ, उसमें तीन या चार पिक्चर दी हुई है, तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन का कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो ये वाले क्वेश्चन पहले हम आपको करवाएंगे, पहले समझ लेंगे बच्चे, उसके बाद रिटर्न वर्क करेंगे, ठीक है। कई बार पिक्चर दे दी जाती है, उसमें राइट द 5 लाइंस अबाउट द पिक्चर, सी पिक्चर एंड राइट 5 लाइंस, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो देखिए पहले हम पिक्चर को समझ लेते हैं, वैसे तो चैप्टर के टाइम पे समझा दिए लेकिन अभी फिर से करेंगे। देखिए पहले है हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि जो लेडीज है वो क्या करने के लिए जा रही है, क्या करने के लिए जा रही है, वो पानी लेने के लिए जा रही है, कहाँ से, क्या है ये, तालाब से, कौन तालाब है बेटा, रिवर होती तो पीछे से भी उसका हिस्सा दिखता और बहती हुई नजर आती है। कैसा एरिया है ये देखो, पहाड़ दूर दूर, सॉरी पेड़ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक पेड़ यहाँ पे है, पूरा इधर नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ दूर, कौन सा है, डेजर्ट एरिया। तो आप इस तरीके के जब सेंटेंस बनाएंगे, इट इज अ डेजर्ट एरिया, इस तरीके के सिंपल सेंटेंस अभी हम बनाएंगे। डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे क्या है, तालाब है जहाँ से वो लेडीज पानी लेने आ रही है, किस चीज में पानी लेने आ रही है, उनके सर पे क्या रखी है, कोट, मटका, ठीक है। कोट किससे बनता है, क्ले से बनता है, कौन बनाता है, वॉटर बनाता है। अच्छा कितनी लेडीज आपको पिक्चर में नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, कितनी आ रही है, सिंपल से सेंटेंस हम बनाएंगे। अच्छा अगर बच्चा पूछा जाए तो कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है। अच्छा एरिया कैसा है, कहाँ से पानी लेने आ रही है, पानी किस में लेके जाएंगी, क्या कर रही है लेडीज, पानी लेने आ रही है, टू फेच वाटर, किस में लेने आ रही है, पोर्ट में लेने आ रही है, कहाँ से लेने आ रही है, पॉन्ड से लेने आ रही है, एरिया कैसा है, डेजर्ट एरिया, सिंपल 5 सेंटेंस बनाए अभी।